साथियों, गुजरात बीते दो दशकों में आलू उत्पादन और आलू का एक्सपोर्ट इसका हब बनकर के उभरा है। बीते 10-11 साल में जहां भारत का कुल पोटैटो प्रोडक्शन करीब 20% की दर से 20% की दर से बढ़ा है, वहीं गुजरात में ये दर 170% 170% से बढ़ा है। आलू की क्वांटिटी और क्वालिटी में हुई इस वृद्धि का कारण है बीते दो दशकों में किए गए पॉलिसी इनिशिएटिव, पॉलिसी डिसीजन और सिंचाई की आधुनिक और पर्याप्त सुविधाएं। बेहतर पॉलिसी डिसीजंस के कारण आज देश के बड़े पोटैटो प्रोसेसिंग यूनिट्स आज गुजरात में हैं और ज्यादातर पोटैटो एक्सपोर्ट्स भी गुजरात बेस्ड हैं। गुजरात में कोल्ड स्टोरेज का एक बड़ा और आधुनिक नेटवर्क है। इनमें से अनेक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज से लैस है। इसके अलावा आज सुजलाम सुफलाम और सौनी योजना के माध्यम से गुजरात के उन क्षेत्रों में भी सिंचाई की सुविधा पहुंची है जो कभी सूखे से प्रभावित रहते थे। सरदार सरोवर डैम के कारण गुजरात का एक बड़ा हिस्सा सिंचाई के दायरे में आ गया। नहरों का इतना व्यापक नेटवर्क बहुत कम समय में तैयार करना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सिंचाई में भी साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल अप्रोच लगातार उसमें सुधार हो रहा है, उसको अपनाया जा रहा है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप इस मंत्र की भावना पर काम करते हुए माइक्रो इरिगेशन पर फोकस किया गया। ड्रिप या स्प्रिंकलर इरिगेशन को प्रमोट किया गया। साथियों, गुजरात के ये प्रयोग बीते 5 वर्ष में पूरे देश के लिए भी हर कोने में पहुंचाने का भारत सरकार ने भरपूर प्रयास किया है। साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को लेकर के हम लगातार आगे बढ़ते गए हैं और बहुत कुछ अचीव करते गए हैं। महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। किसानों के प्रयास और सरकार की पॉलिसी के कॉम्बिनेशन का ही परिणाम है कि अनेक अनाजों और दूसरे खाने के सामान के उत्पादन में भारत दुनिया के टॉप 3 देशों में है, टॉप 3 कंट्री में है। एक समय में हमारे सामने दाल का संकट आ गया था, लेकिन इस संकट पर भी देश के किसानों ने ठान ली और देश ने विजय पाई है।